सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आयुष, और इस वीडियो में मैं टिकटॉक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ कवर करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। तो मैं बात करने वाला हूं मिस्टर फैसू के बारे में। सो मिस्टर फैसू का अकाउंट जो कि टिकटॉक ने बैन कर दिया था, अब उस अकाउंट से बैन हट गया है और मिस्टर फैसू को अपना अकाउंट वापस भी मिल गया है, और इससे रिलेटेड वो ये वीडियो क्लिप शेयर किए हैं। फाइनली गाइस, टीम 07 वापस आ गई है टिकटॉक पे। आप लोग के प्यार के वजह से और आप लोग के सपोर्ट के वजह से हम लोगों का अकाउंट हम लोगों को वापस मिल गया है। हमारे टिकटॉक पे ना होने के बाद भी हमारी वीडियोस फॉर यू में दिखाती थी, बस आप लोग के प्यार के वजह से। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। बस आप लोग ऐसी प्यार करते रहो, आप लोग ऐसी सपोर्ट करते रहो, हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों को और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट दिखाएंगे। लव यू गाइस, लव यू, लव यू ऑल। तो आप देख ही सकते हो कि एक दिन के अंदर अंदर उन्होंने 12 वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं। अब आप देख सकते हो कि उनके अकाउंट पे ब्लू टिक मतलब वेरीफाइड सिंबल अभी तक नहीं है। कुछ ही दिन में शायद उनका अकाउंट फिर से वेरीफाइड हो जाए। सो मैं हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू मिस्टर फैसू फॉर गेटिंग बैक हिज टिकटॉक अकाउंट। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो मैं बात करने वाला हूँ रियाज अली के बारे में। सो रियाज अली कोलैब किए हैं बिग बॉस के रनर अप असीम रियाज के साथ। सो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो, और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड और भी बहुत सारे टिकटॉकर्स कोलैब किए हैं असीम रियाज के साथ, जैसे कि नकमा मिराजकर, अवेश दरबर एंड और भी बहुत सारे हैं गाइस। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो मैं बात करने वाला हूँ जन्नत जुबैर के बारे में। सो जन्नत जुबैर लोगों को कोरोना वायरस के रिगार्डिंग अवेयर किया है अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू। सो आप भी देखिए जन्नत जुबैर क्या कहे। हाय गाइस, सो आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज मैं अभी स्टोरीज में पोस्ट करना भूल गई हूँ स्टोरीज। सो आई जस्ट थॉट दैट आई जस्ट मेक समथिंग एंड पोस्ट। बाय द वे, स्टे सेफ, डू नॉट पैनिक, परेशान मत होइए। हम यू नो विल ओवरकम दिस पैंडमिक, विल ओवरकम दिस सिचुएशन वेरी 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 सून। एंड एज यू कैन सी, दिस इज अ सैनिटाइजर इन माई कार, सो दैट गाड़ी का हैंडल भी छू के सैनिटाइज करो हाथों को। सो जस्ट स्टे सेफ एंड Everything will be fine. Yeah. It's like मैं खुद घर में एकदम लॉक हूँ कुछ दिनों से। अभी जस्ट डैडी को कहीं जाना था तो आई सेड ओके मैं भी चलूंगी और अब मैं की गाड़ी में बैठी हूँ बिकॉज आई डोंट हैव एनी वर्क टू डू राइट नाउ। एवरीथिंग हैज बीन पोस्टपोन और कैंसल, सो या स्टे सेफ, बाय। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो मैं बात करने वाला हूँ अवनीत कौर के बारे में। सो अवनीत कौर बहुत जल्द दिल्ली पे एक मीटअप करने वाली है। सो इससे रिलेटेड वो ये पिक पोस्ट किए हैं। तो इससे रिलेटेड आप कितना एक्साइटेड हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो मैं बात करने वाला हूँ मिस्टर फैसू और जन्नत जुबैर के बारे में। सो मिस्टर फैसू और जन्नत जुबैर का नया म्यूजिक वीडियो आने वाला है। तो उनके नया म्यूजिक वीडियो का टाइटल है एरोप्लेन, और ये म्यूजिक वीडियो 26 मार्च को रिलीज होगा। सो इससे रिलेटेड मिस्टर फैसू अपने इंस्टाग्राम पे ये पिक पोस्ट किए थे। सो इससे रिलेटेड आप कितना एक्साइटेड हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब टिकटॉक सेलिब्रिटीज के कुछ रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट देख लेते हैं। ये पापा का फोन है, पापा का फोन है। हेलो, हाँ पापा, हाँ पापा, आ रहा हूँ, ट्रैफिक में हूँ। पी पी पी, साइड बटो, साइड बटो, साइड बटो जरा, ये देना, ये देना। तो गाइस आज के लिए इतना ही न्यूज था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।